श्रोताओं, एक बार फिर फिल्मों के चटपटे अंदाज के साथ आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर है, आपका रेडियो दोस्त कमलेश। नमस्कार श्रोताओं, फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज को संदेश देने का जरिया भी बन चुके हैं। आज फिल्में सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते कि इससे सिर्फ पैसा कमाया जा सके, बल्कि निर्माता निर्देशक आज खुद की संतुष्टि के लिए फिल्मों का निर्माण धड़ल्ले से कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने एक ऐसे फिल्म को चुना है जिसने मनोरंजन के साथ साथ समाज को संदेश देने का काम किया है कि प्यार, मोहब्बत और अपनेपन के एहसास के साथ किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कलेवर को डालकर बॉलीवुड मसाले से भरपूर, प्यार इश्क मोहब्बत कॉमेडी एक्शन ड्रामा से भरपूर 2013 की ये चर्चित फिल्म है जिसका नाम है मुन्ना भाई MBBS। मेरा बेटा भी गांव से भाग के आया था, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। ये सफारी सूट क्या है? एडमिशन के लिए किसको मिलने का? उधर कैजुअली में जाके फॉर्म भरने का। पेशेंट कौन है? कोई नहीं। तो फिर एडमिट किसको करने का है? भाई को। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। तो फिर एडमिट क्यों करने का? डॉक्टर बनने का। किसको? अरे भाई को रे, ये अपुन की बात कर रहा है। बोले तो, बोले तो। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना, क्यों सर फिर? हाँ मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिला, उसका टेंशन है। Any questions? वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है भाई, ला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? अरे बोलना मेरे को। साला गांव जाके क्या कर रहे हो? बोलना मेरे को, तेरे को तो साला हल भी चलाने को नहीं आता है। वाह, अगर मैं हल चलाएगा तो बैल क्या करेगा? मुन्ना भाई और MBBS 19 दिसंबर 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुन्ना भाई MBBS बहुत बड़े बजट की फिल्म तो नहीं थी, लेकिन दर्शकों ने इस पर प्यार लुटाकर इसे बना दिया 2003 की सबसे बड़ी हिट फिल्म। अगर कलाकारों की बात करें तो संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अरशद वारसी, बोमन ईरानी, जिमी शेरगिल सहित सुनील दत्त इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। मुन्ना भाई MBBS सुनील दत्त साहब की अंतिम फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त साहब संजय दत्त के पिता के किरदार में नजर आए। पिता पुत्र के निभाए किरदार जब सिल्वर स्क्रीन पर दिखते हैं तो दर्शक इमोशन से भर जाते हैं। वहीं संजय दत्त और अरशद वारसी जब अपने किरदारों मुन्ना और सर्किट के रूप में साथ दिखते हैं तो दर्शक हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बोमन ईरानी के रूप में डॉक्टर अस्थाना का किरदार दर्शकों का खूब मनोरंजन करता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस फिल्म में निभाए हर कलाकार का किरदार शानदार, जानदार और मजेदार है। जाके देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई। मामो सुबह हो गई, मामू 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 सुबह हो गई, मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। देखो अपने प्यार की सेविंग,
हो गई मामो, सुबह हो गई मामो, मामो मामो सुबह हो गई मामो, मामो रे मामो। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। हाँ मैं तेरे आंसू पोंछूं, अरे रुमाल देना मामो, सुबह हो गई मामो, मामो मामो सुबह हो गई मामो, मामो रे मामो। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी ही खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो, सुबह हो गई मामो, मामो मामो सुबह हो गई मामो, मामो रे मामो। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की कहानी की बात करे तो ये घर से भागे एक बदमाश किस्म के एक ऐसे टपोरी की कहानी है जो पैसे लेकर लोगों को डराता धमकाता है और घर वालों को झूठ बताता है कि वो एक डॉक्टर है। ऐसे में जब इसके माता पिता के सामने इसकी झूठ का पर्दाफाश होता है तो इसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसका बदला लेने के लिए मुन्ना यानी संजय दत्त झूठ का पर्दाफाश करने वाले डॉक्टर अस्थाना को सबक सिखाने की ठान लेता है और जुगाड़ से डॉक्टर अस्थाना के हॉस्पिटल में एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगता है, जिससे डॉक्टर अस्थाना परेशान हो जाता है। वहीं मुन्ना हॉस्पिटल में लोगों से बात करते हुए, जादू की झप्पी देते हुए और लोगों का ख्याल रखते हुए काफी पॉपुलर हो जाता है। हॉस्पिटल का हर बंदा मुन्ना को चाहने लगता है। मुन्ना के इस केयरनेस और मदद करने वाले व्यवहार से डॉक्टर अस्थाना की बेटी डॉक्टर सुमन भी अछूती नहीं रह पाती। ऐसे ही हल्के फुल्के मजेदार कॉमेडी के बीच फिल्म चलती रहती है और अंत में यही संदेश देती है कि इंसान का इलाज दवा के साथ साथ अपनेपन और उसका ध्यान रखकर भी किया जा सकता है। My name, Maiti Nayika.
मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS कंट्रोल होगा देख कर हमको दुनिया चलेगी पर अपनी लाइफ मजे में चलेगी मारू नाम एन पर रास्कल मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई और MBBS अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल ले दिन में दस बीस बाईपास नो टेंशन अरे मस्का है बाप मस्का जाऊंगा भूख प्यास नो टेंशन होंगी डॉलर में अपने कमाइयां रंग लाएंगी महंगी दवाइयां खुद भी नाचूंगा सबको नचाऊंगा मैं मरीजों को डिस्को कराऊंगा नए हमार नाम सदा नाम मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई और MBBS अपनी ही लिखी कहानी का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया है जबकि बतौर निर्माता इस फिल्म से जुड़े हैं विधु विनोद चोपड़ा वहीं इसके डायलॉग को जो कि आम भाषाओं के साथ टपोरी लैंग्वेज में है उसे लिखा है अब्बास टायरवाला ने 157 मिनट के इस फिल्म में बॉलीवुड का हर रंग मौजूद है इसे देखना और सुनना अच्छा लगता है मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त के लिए एक कमबैक फिल्म साबित हुई तो वहीं सर्किट की भूमिका निभाने वाले अरशद वारसी के लिए ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसकी अगली कड़ी 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई के रूप में आ चुकी है जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है फिल्म मुन्ना भाई MBBS के बारे में इतना कहा जा सकता है कि अगर आप इसे देखने बैठेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है लुक्खा गिरी करके अपना टाइम पास होता है।
पांचाय मिलता है बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काय को, काय को, अरे काय को रे। फिर बोले तो एक दिन अपुन के मोहल्ले में हे माई। साला अपुन का खोपड़ी चक्कर खा गया, ट्रक के साथ जिन सलग टक्कर खा गया। चाइला क्या सूरत थी वो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जुल्फे क्या जुल्फे थी, चल दी थी एकदम आगे माफे, आंखें ऐसी के रुका दे ट्रैफिक। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। दिन भर अपुन उसकी खिड़की के नीचू, कोई लफड़ा नहीं कुछ नहीं, तीन दिन ना अजीज से रड़ा ना उस्मान से पंगा, बस चुपचाप। पहली बार लड़की देखी और सीटी नहीं मारी, आग मिल भी जाती तो हो क्या, आग नहीं मारी। अपन का बिड़ू लोग साला डर गया, बोला क्या बे मुन्ना साला तू भी से डर गया। एक दिन उसको देख के कल्लन बोला, ए मुन्ने भाई वो देख के क्या मचारे लिए बाप। अपुन का खोपड़ी सनका, कल्लन को पकड़ा और बोला, इधर आ सारे तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक खोपड़ा पकड़ा है, और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, समझा समझा क्या। फिर हेमा का क्या हुआ? फिर एक दिन वो अपन को देख के हंसी, अपन बोला बाप हंसी तो फंसी, लगता है बब अपन पे विदा हो गई, दो दिन के बाद उसकी शादी हो गई। सामने वो घर से विदा हो गई, उसकी डोली उठी, अपुन उधर ही खड़ा था, लेकिन वो अपुन को नहीं देखी। वो रात अपुन 2 बजे तक पिया, वो रात अपुन 2 बजे तक पिया। साला एक एक सपना देखा था, लेकिन माँ कसम एक आंसू नहीं रोया, काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपुन ही जीड़ा था ना। अगले दिन वही पहले के माफिक लाइफ चालू, वही गंदे ग्लास में चाय, वही पान बीड़ी। अजीज को इतना मारा समझे वो मरेगा, भूलने का है पर क्या करेगा। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। आप
अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, दिल ट्रक के साथ फिर टक्कर खा गया। जापा चाइना क्या जरूरत थी, ए मुन्ना भाई तेरे दिल का ट्रैफिक फिर से रुका क्या? फिल्म के गीत संगीत की बात की जाए तो इस फिल्म के गीत को लिखा है राहत इंदौरी और अब्बास टायरवाला ने। फिल्म का संगीत दिया है अन्नू मलिक ने, वहीं विनोद राठौर, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अन्नू मलिक, संजय दत्त, अर्शद वारसी, प्राची, प्रिया मयेकर और शान ने फिल्म के गीत को आवाज देकर लोगों का खूब मनोरंजन किया है। फिल्म के गीतों को एक अलग अंदाज में पिरोया गया है जिसे सुनकर इसके किरदार आंखों के सामने अपने आप उभर आते हैं। साल 2003 में इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम रहा।
फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 50वीं फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 4 पुरस्कार दिए गए, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संवाद और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में अरशद वारसी को पुरस्कार मिल चुके हैं। इस फिल्म को 2004 में जी सिने अवार्ड के कई अवार्डों से नवाजा गया है। अन्य समारोह की बात की जाए तो 2004 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये फिल्म शामिल है। इसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे किसी और फिल्म की। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त कमलेश को। नमस्कार।